की सच्चाई आते ही राधिका ने दिव्यम के खिलाफ ले लिया बहुत ही बड़ा एक्शन, और एक्शन लेते ही काया को राधिका ने सिखाई सबक, और सबक सीखते ही काया जा रही है अब दिव्यम जी के नजर से हमेशा हमेशा के लिए दूर, और दूर जाते ही काया कर रही थी अपने आप में मरने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर में आज हमें देखने को मिलने वाला है कि जब काया उस रूम में दिव्यम जी से अपने प्यार के बारे में बता रही होती है, तभी राधिका दिव्यम और काया को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है उस रूम के खिड़की के पास तक, और उस खिड़की के तरफ से राधिका ने दिव्यम और काया को देख भी लेती है, जहां पर काया और दिव्यम अपने प्यार के रिश्ते को लेकर नोकझोंक कर रहे होते हैं। और काया वहां पर दिव्यम से ये कह रही होती है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो ठीक है, तो तुम राधिका से प्यार तो करते ही होंगे। लेकिन जब दिव्यम काया के मुंह से इतना कुछ सुनते हैं तो वहां पर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन राधिका ये सारी बातें बहुत अच्छे से सुन लेती है। मगर इसके बाद राधिका उन दोनों के पास जाती है काया, और दिव्यम से वो सच जानने की कोशिश करती है। मगर अब आगे आने वाला समय तय करेगा कि राधिका दिव्यम और काया के खिलाफ आगे क्या कुछ करने वाली है।